नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तपस्या डे 25 में। कैसे हैं आप? तो मैं हूं संदीप मानुधने और यह है पीटीज आईएएस एकेडमी का एब्सोल्युटली फ्री कोर्स फॉर आईएएस प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन, उन सभी बच्चों के लिए जो लंबे समय तक धीरे धीरे आराम से तैयारी करना चाहते हैं। यस और नो? तो हम 25वें दिन पर आ गए हैं, सिलेबस कॉन्सेप्ट ले रहे हैं सुबह 6:30 बजे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 1। तो आज हम एक बहुत 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 महत्वपूर्ण संस्थान की बात करने वाले हैं। कौन सा है भैया? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। यह संगठन अपने आप में एक अद्भुत संगठन है, क्योंकि यह कुछ ऐसा कर रहा है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके रास्ते में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे रोड़े भी अटका दिए, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो मुझे जल्दी से बताइए, WTO का हेड ऑफिस कहाँ है? जल्दी बताओ, वेयर इज द WTO हेडक्वार्टर्ड? और WTO के बॉस कौन है, उनका नाम भी बता दो। दो सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। लाइव चैट में जोश बनाए रखें, कमेंट्स में जोश बनाए रखें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। हम इतने जोश से पढ़ा रहे हैं, आप भी उतने ही जोश से पढ़ो यार, तभी मजा आएगा। यस और नो? प्रवल वत्स दिल्ली से, साक्षी सिंह ग्वालियर से और कर्मवीर सिंह जयपुर से जुड़े हैं। सभी प्यारे बच्चे तपस्या में हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, खूब पढ़िए। सिविल्स तपस्या की साइट फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं प्यारे दोस्तों। सिविल्स की साइट पर मैं अभी आपको दिखा दूंगा फॉर्म। सिविल्स की साइट पर आपको डेली डाइजेस्ट का भी प्रोविजन है, यू नो वेरी वेल। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पर आपको एक ईमेल में कॉम्प्रीहेंसिव हमारी तरफ से करंट अफेयर्स आते रहें, तो आप हमारी सिविल्स की साइट पर चले जाइए, civils.pteducation, और ये फॉर्म भर दीजिए डेली डाइजेस्ट का। आपको शानदार ईमेल शाम को आना शुरू हो जाएगा। कितने बच्चों को बराबर मिल रहा है, कंफर्म करो। मजा आ रहा है कि नहीं डेली डाइजेस्ट में? अरे टीम बड़ी मेहनत करती है उस पर। प्यारे साथियों, ऑफिशियली एनरोल हमारे प्रोग्राम में जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को भी कीजिए। ये एक बहुत शानदार सरकारी योजनाओं का कंपाइलेशन है, हमारे बुक स्टोर पर उपलब्ध है, यू कैन परचेज इट। 375 स्कीम 500 पेज इंग्लिश PDF में कवर्ड है। शुरू करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन WTO, वेरी वेरी यूजफुल सिलेबस कॉन्सेप्ट। दोपहर को 1 बजे पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम, शाम को पढ़ेंगे 6:30 बजे प्रीलिम्स के MCQs। ये है क्या विश्व व्यापार संगठन? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये एक अंतर सरकारी निकाय है। 164 देशों की सरकारें एक जगह आई हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है कि हम एक विश्व व्यापार संगठन चलाएंगे, कंसेंसस से चलाएंगे, एकमत से चलाएंगे, सारे लोग मिलकर चलाएंगे, इसमें सारे डिसीजन कंसेंशुअली होते हैं। समझ में आया? इसका लक्ष्य क्या है WTO का? प्रमोशन ऑफ मल्टीलैटरल वर्ल्ड ट्रेड, बहुपक्षीय विश्व व्यापार संवर्धन करना। समझ में आ गया? तो आज के बाद किसी ने पूछा बेटा WTO क्या होता है, क्या जवाब दोगे? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका लक्ष्य है बहुपक्षीय व्यापार को संवर्धित करना। यस और नो? दूसरा बिंदु, जितने भी सदस्य देश हैं उन्होंने आपस में एग्री कर लिया है कि हम अनुबंधों से बंधे रहेंगे, गुड्स सर्विसेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वस्तु सेवा बौद्धिक संपदा। ये हैं WTO के 3 पिलर्स। देख रहे हो बेटा, 3 पिलर्स, गैट, गैट्स, ट्रिप्स, ये 3 पिलर्स हैं। यही 3 पिलर्स को ये दूसरे बिंदु में समझाया गया है। सदस्य देशों ने, समझ में आ गया कहीं? तो कौन से हैं 3 स्पेसिफिक पिलर, जल्दी से बता दो हमें कमेंट में। एग्री कर लिया है कि वस्तु व्यापार में, सेवा व्यापार में, बौद्धिक संपदा व्यापार में हम अनुबंधों से बंधे रहेंगे। WTO की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है जानते हैं? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। देखिए, ट्रेड बहुत जटिल चीज होती है। अमेरिका से भारत आया कुछ सामान, तो उसके 50 तो फॉर्म भरो, उसकी कस्टम ड्यूटी चुकाओ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, तो झगड़े होना स्वाभाविक है। ऐसे झगड़ों को बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अ वेरी न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड अ फास्ट सिस्टम, तभी जाके लोगों को भरोसा होगा, नहीं तो लोगों को भरोसे उड़ जाएगा इस चीज पे से। और यही किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने एपेलेट बॉडी में जजेस की नियुक्ति पर ही रोक लगवा दी है, और इस वजह से WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ही टूटने की कगार पे आ गया है। और ये उन्होंने चाल चली क्योंकि अमेरिका WTO को नहीं, सिर्फ खुद को चौधरी बनाना चाहता, यह बहुत बुरी खबर है। चौथा बिंदु भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि कोई गरीब देश
विकासशील देश WTO से जुड़ता है। चौथे बिंदु पर हूं बेटा, अभी तक के तीनों बिंदु समझ में आ गए? Have you understood the three points? यदि कोई गरीब देश जुड़ता है तो WTO कहता है कि बेटा आप कमजोर देश हो तो आप पर सारी शर्तें पहले दिन से लागू नहीं होंगी, आपको हम 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल देंगे, आप धीरे धीरे शिफ्ट कीजिए। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत WTO में डेवलपिंग नेशन बन के बैठा हुआ है। तो भारत डेवलपिंग नेशन कैसा? भारत तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन की, तो हम भारत को SNDT नहीं देंगे, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो उन्होंने SNDT बोला, हम भारत को देंगे ही नहीं, तो भारत की तो हालत खराब हो जाएगी क्योंकि हमारे बहुत सारे काम खत्म हो जाएंगे, तो हमें तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि WTO वो देता है और अमेरिका दादागिरी करके वो हटा रहा है। तो मैंने आपको लेटेस्ट चैलेंजेस भी बताने की कोशिश की। क्या आपको ये चारों बिंदु समझ में आ गए? यस और नो कंफर्म करो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। रॉबर्टो अजीविडो ब्राजील के हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अलग अलग ग्रुप्स का झगड़ा WTO में बहुत बढ़ गया है और ये एक न्यूज वही बता रही है। खासतौर पर कृषि के मामले में भारत और चीन का अमेरिका और यूरोप से बहुत झगड़ा चल रहा है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, आज की बात नहीं है। यह WTO का लोगो है, इस लोगो से आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं, कोई समझाएगा हमें? ये लोगो यानी प्रतीक चिन्ह किस चीज का द्योतक है, थोड़ा बताइए। ये WTO की फैक्ट फाइल है। लोकेशन जिनीवा स्विट्जरलैंड। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, मतलब इसके 25 साल पूरे हो गए। काफी अच्छा काम किया है WTO ने, लेकिन अब वो बहुत खतरनाक संकट से गुजर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच खराब है। माई अप्रोच इज नॉट बैड, आई हैव राइट अप्रोच, यू ऑल आर रॉन्ग एंड आई नो मोर अबाउट इट देन एनीबॉडी एल्स डज, आई एम द बेस्ट, मोदी ग्रेट गाय, शी जिनपिंग ग्रेट गाय। क्रिएटेड बाय द यूरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस 1986 से 94 तक गैट में उरुग्वे वार्ता दौर चली थी। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 1948 से 1995 तक गैट ही था और गैट से जन्म लिया WTO ने। समझ में आ गया? नोट अच्छे से बना लेना। तो ये इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। किसी भी चीज पे सवाल बन सकते हैं, आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए। WTO के 3 आधार स्तंभ, गुड्स सर्विसेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, 3 चीजों में व्यापार संभव है, वस्तु में, सेवा में, बौद्धिक संपदा में। यस और नो? तो तीनों के लिए एग्रीमेंट तैयार हैं, अलग 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 प्रकार के अनुबंध तैयार हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के मैकेनिज्म्स तैयार हैं। इनके एग्रीमेंट के नाम है गैट, GATS, ट्रिप्स। गैट का फुल फॉर्म तो मैं बता ही चुका हूं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट्स होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेस और ट्रिप्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये तीनों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेस, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ में आ गया? यस और नो? प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में कौन कौन WTO का सदस्य देश है और कौन से ऑब्जर्वर देश हैं पीले में, सदस्य देश हैं हरे में। क्लियर है बेटा? WTO क्या क्या कर सकता है, यह WTO का दावा है। जरूरी नहीं कि हर बार ये दावे सही हों, लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भैया WTO बनाकर, विश्व व्यापार संगठन बनाकर आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कट द लिविंग कॉस्ट एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन जीने की लागत कम करना और जीवन स्तर बढ़ाना। क्यों? जितना व्यापार बढ़ेगा उतना GDP बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ेगी, जीवन स्तर बढ़ेगा। पहला फंडा समझ में आया? दूसरा, सेटल डिस्प्यूट्स, रिड्यूस ट्रेड टेंशंस। मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपसी झगड़े समाप्त करो व्यापार के और व्यापार के टेंशन समाप्त करो। तो उससे क्या होता है, दो देश जब ज्यादा व्यापार करने लगते हैं तो उनके बीच सौहार्दपूर्ण मित्रता हो जाती है। स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, आर्थिक वृद्धि को बल देना और रोजगार निर्माण करना। समझ में आ गया? तो ऐसे 1 से 10 तक के ये बिंदु हैं दोस्तों, आपको बहुत मदद मिलेगी कि WTO आखिर कर क्या सकता है। तो WTO जो है वो अकेला तो है नहीं, दुनिया में G7 भी है, G8 भी है। G8 तो बंद हो गया क्योंकि रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, उसके बाद से G8 खत्म हो गया। G20 अब G20 है।
G20 दुनिया में एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसकी कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं है G20 का, वो तो सिर्फ मीटिंग है, पर WTO तो एक प्रॉपर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत बना है। तो G20 दुनिया के 80% GDP को प्रतिनिधित्व करता हुआ WTO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया आपको? ये ग्रुपिंग सारी याद रखिएगा, G7, G8 और G20। इसके बारे में कोई टिप्पणी हो तो जरूर कीजिए। पिछली G20 समिट कहां हुई थी बताइए? एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में। ये अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं। अब आपको RCEP तो पता है, RCEP यानी, बताओ बेटा RCEP क्या है? हमने इतनी बार प्रीलिम MCQ में पढ़ा भी दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। भारत नवंबर में उससे बाहर आ गया क्योंकि भारत को डर है कि हम उतना कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें 15 देश हैं आज, आसियान 10 देश पहले से हैं, CPTPP, अमेरिका उससे बाहर हो गया। प्यारे दोस्तों, इन सब ग्रुपिंग्स के साथ साथ ये सब होती हैं बेटा प्लूरीलैटरल ग्रुपिंग्स, इनको मल्टीलैटरल भी बोल सकते हैं, लेकिन WTO सच्चे अर्थों में मल्टीलैटरल ग्रुपिंग है, बहुपक्षीय। यूनिलैटरल यानी एक पक्षीय, बायोलैटरल यानी द्विपक्षीय, और प्लूरीलैटरल यानी एक मल्टीलैटरल की छत में से निकले हुए बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीलैटरल्स। समझ में आ गया? यहां हमने आपको पूरा ऐतिहासिक कहानी बताने के लिए कंटेंट इकट्ठा कर दिया है 3 स्लाइड्स में। सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और अर्ली डेज ऑफ ट्रेड 1945 के बाद शुरू होते हैं, बिफोर द गैट एंड आफ्टर द गैट, और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ। ये सजेशन आया था, अमेरिका ने मना कर दिया, IMF वर्ल्ड बैंक ब्रेटन वुड्स सिस्टर बन गई। क्या होती है ब्रेटन वुड्स सिस्टर, बताइए कमेंट थ्रेड में बेटा, आप किस शहर से हैं और तपस्या सीरीज में कितना मजा आ रहा है कंफर्म करो। तब ऐसा बोला गया कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ ITO भी बनाओ, लेकिन नहीं बन पाया ITO, और अल्टीमेटली गैट बना और फिर 1995 में WTO बना। यह समझ में आया कि नहीं? दोहा राउंड WTO के अंदर एक सबसे बड़ा राउंड चल रहा है 2001-2002 से, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। यह है पूरी कहानी WTO की। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट परीक्षा के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि हम क्यों भारत को ये इस्तेमाल करने दें। समझ में आया आपको? तो इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। विकासशील देशों को और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को और गरीब देशों को कुछ सालों के लिए छूट अलग अलग कानूनों में WTO के ये देता है। जो भी देश WTO से जुड़ता है उसको अपने राष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तन करना पड़ता पार्लियामेंट में। ऑल योर नेशनल लॉज हैव टू बी देन मेड हार्मोनियस विथ WTO लॉज, अदरवाइज आप दोनों काम कर ही नहीं सकते एक साथ। समझ में आ गया? तो ये SNDT को थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक मैंने जो बोला उसकी ये समरी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है कि वो बायलैटरली लोगों को निपटाएंगे, मल्टीलैटरली कुछ नहीं करेंगे। समझ गए? सब्सिडीज के सारे झगड़े हैं। सब्सिडीज में अलग अलग बॉक्सेस बताए जाते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। सारा झगड़ा एम्बर बॉक्स को लेकर है। अमेरिका यूरोप का दबाव है भारत पर कि आप जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के नाम पे जो व्यापक खरीदी करते हैं उसमें आप 10% से ज्यादा का सब्सिडी दे रहे हैं, प्रोडक्शन वैल्यू के 10% से ज्यादा का, और ये इलीगल है। तो अपनी सब्सिडीज को कम कीजिए क्योंकि वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डिस्टॉर्ट होता है। आपने 10% की सीमा क्रॉस कर दी क्योंकि आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारण करना है, किसानों को न्यूनतम समर्थन। भारत ने साफ मना कर दिया है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कानूनी प्रतिबद्धता है और हमारे यहां गरीबी इतनी कि हमको MSP देना पड़ेगा। इस बात को लेकर 7 साल से भीषण युद्ध चल रहा है। अलग अलग डिस्प्यूट्स में कितने देश कब कब इन्वॉल्व थे इस चार्ट में मिल जाएगा। WTO ने ट्रेड बैरोमीटर्स बना रखे हैं, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर, सर्विसेज ट्रेड बैरोमीटर, मतलब जैसे गाड़ी में एक पूरा स्पीडोमीटर लगा रहता है। ये प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर को जारी किया हुआ WTO का गुड्स ट्रेड बैरोमीटर है, जिसमें WTO बताता है कि बिलो ट्रेंड रहेगा 2020। समझ में आया आपको? और तब तक तो कोरोना वायरस आया ही नहीं था। तो मेरा अगला सवाल, क्या लगता है आपको कोरोना वायरस का विश्व व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो प्यारे साथियों,
इस साल की WTO की समिट 8 से 11 जून 2020 को 12th WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। याद रखिएगा ये पहली मीटिंग है सेंट्रल एशिया में WTO की। ये कुछ पॉसिबल मेंस के क्वेश्चंस दिए हमने, अच्छे से इनके उत्तर नोटबुक में लिखिए। सेशन में मजा आया, 15 मिनट में सारी काम की चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आज हमारा क्वार्टर सेंचुरी पूरा हो गया, ठोको ताली। गवर्नमेंट स्कीम का हमारा PDF जरूर परचेस कीजिए, शाम को 7 बजे आपको आज का PDF PT ऐप में मिल जाएगा। मेरी तरफ से इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।